तो दोस्तों फाइनली मॉन्स्टर के दीवानों को जिस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार बहुत ही बेताबी से था, आज वो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है 5 अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से। यानी भैया मॉन्स्टर की एंट्री जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई कि भैया मॉन्स्टर की एंट्री को देखते ही थर्रा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंग होकर। यानी कि भैया जो उम्मीदें थी KGF के चैप्टर 2 के ट्रेलर से, उन उम्मीदों पर ये ट्रेलर तो भैया खड़ी उतर गई है। अब बारी है इस फिल्म की। यानी कि भैया ये तो ट्रेलर था, फिल्म तो 14 अप्रैल को आने वाला है। तो दोस्तों क्यों KGF के चैप्टर 2 को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में आते ही कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगी और उसके साथ में बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड को है वो तोड़ कर चली जाएगी। तो भैया क्यों ये बातें कही जा रही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक फिल्म सुपर से ऊपर क्यों बताई जाती है, क्यों किसी फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस के दिल से खुद ब खुद ये आवाज़ निकलती है कि ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी है, तो उसका कारण ये है कि भाई जो क्रिएशन आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से ऑडियंस के सामने उतार कर रख दें एक बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से, तो उस फिल्म की चर्चा इसी तरीके से की जाती है। यानी कि भैया जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था तो वहाँ पर मैंने अपने सीनियर से एक ही बात सीखी थी कि भैया कोई भी फिल्म सुपर से ऊपर तभी बन पाती है जब आपके पास एक बेहतरीन टीम हो। यानी कि भैया ये फिल्म इतनी बेहतरीन इसलिए बनकर आई है क्योंकि भैया इस फिल्म में काम करने वाले जितने भी टेक्नीशियन थे उन्होंने अपना 100% दिया है मेरे भाई। चाहे हम बात करें भैया सिनेमेटोग्राफी की, तो भैया सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म का इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है कि इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म के माध्यम से तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तैयार है। क्या पिक्चराइजेशन किया गया मेरे भाई, क्या फ्रेमवर्क है। यानी कि भैया इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी वाला जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग था, तभी इस फिल्म का हर एक फ्रेम अपनी ही तरह से कहानी बताता नजर आ रहा है। उसके बाद भैया इसका BGM सुपर से ऊपर, यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला BGM मेरे भाई। दोस्तों ये तो बस 2 मिनट 57 सेकंड का एक ट्रेलर था। अब आप सोचो कि जब आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में जाओगे और वहां पर आप जब पूरे फिल्म को देखोगे और वहां पर हर एक शॉट के साथ, हर एक सीन के साथ, हर एक बेहतरीन इफेक्ट के साथ जब आपको बेहतरीन BGM सुनने को मिलेगा तो वहां पर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करें भैया इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया ये एक हार्डकोर मॉन्स्टर मूवी है, हार्डकोर एक्शन मूवी है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के एक्शन डिपार्टमेंट को बहुत ही स्ट्रांग रखा गया, जिसकी वजह से इस फिल्म का एक्शन जो है वो सुपर से ऊपर नजर आ रहा मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट की, तो भैया विजुअल इफेक्ट नो डाउट बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ना मेरे दिल से एक आवाज़ निकल रही है बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स के लिए कि भैया वो अपनी फिल्मों में, यानी कि भैया हमने बॉलीवुड की फिल्मों में एक बात देखी है कि भैया एक्टर्स को भर भर के पैसे दे दिए जाते हैं इस बात की उम्मीद पर कि भैया एक्टर के चेहरों को ही देखकर लोग फिल्में देखने आएंगे सिनेमाघर में। यानी कि भैया आप एक्टर पर इतना पैसा खर्च कर देते हो कि भैया बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैसा बचता ही नहीं है, और उसके बाद क्या ऑडियंस केवल एक्टर को देखने जाएगी कि भैया वो विजुअल इफेक्ट भी देखेगी, एक्शन भी देखेगी, कहानी भी देखेगी, BGM भी देखेगी, म्यूजिक डिपार्टमेंट भी देखेगी, आर्ट डिपार्टमेंट भी देखेगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी देखेगी, हर चीज़ देखेगी ना मेरे भाई, कि केवल हम शाहरुख सलमान अक्षय और उसके बाद में इनके चेहरे को देखकर भैया बस बोल दें हाँ भैया हम लोगों ने फिल्म देख ली। फिल्म का मतलब ये नहीं होता, फिल्म का मतलब ये होता है कि भैया आपका हर एक डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के टेक्निकल टीम की। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो भैया स्टोरी लाइन तो समझ में आ रही है कि भैया कहानी इस बार क्या होने वाली है। आपको याद ही होगा गरुड़ा को मारकर रॉकी भाई ने उनके साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया है। गरुड़ा जो था वो काम करता था अधीरा के लिए, और अधीरा को जब ये बात पता चली है कि भैया उसके एम्पायर पर रॉकी की एंट्री हो गई है, रॉकी वहां का बादशाह बन गया है, तो अधीरा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, रॉकी के हाथ से छुड़ाने के लिए अपने दल बल के साथ में आ रहा है KGF के इलाके में। कहानी बस इतनी है, लेकिन इस कहानी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा इस बात की झलक इस ट्रेलर में हमें नहीं दी गई है। यानी कि भैया प्रकाश राज का पहला शॉट हम लोग देखते हैं जहां पर उनसे वो पत्रकार इंटरव्यू के माध्यम से ये सवाल पूछती है कि अब उसके आगे की कहानी को आप हमें बताएं, तो वहां पर प्रकाश राज ये बात बताते हैं कि भैया उसकी कहानी जो थी वो इतनी रक्त रंजित थी कि उसको कलम के माध्यम से बयां नहीं किया जाता है, स्याही के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता है, उस कहानी को फिर से दोहराने के लिए फिर से रक्त बहेगा।
यानी कि भैया ये जो ट्रेलर है ना वो बहुत कुछ दिखाकर बहुत कुछ छुपा गया हम लोगों से, ये कहते हुए कि भैया सब कुछ जानना है तो आपको सिनेमा घर तक आना होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।